बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे हुकूमत की जानिब से एक नई पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत ऐसे ख़ानदान जो नाहिल हो चुके हैं उनको भी पैसे दिए जाएंगे, और इसके साथ जो 8171 कोड है इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। इस पर अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके ज़रिए अब आप एहसास के नए प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार भी तब्दील कर दिया गया है, और इसके साथ ही हुकूमत की जानिब से एक नया कोड जारी किया गया है। इसके बारे में आज हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। हुकूमत की जानिब से जो नया कोड जारी किया गया है इसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है। अगर आप इसके ज़रिए अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अहल किया जाएगा, और हुकूमत की जानिब से जो सालाना इमदाद दी जाती है और जो माहाना इमदाद दी जाती है, एहसास कफालत की जो इमदाद दी जाती है वो आपको मिल जाएगी। हुकूमत की जानिब से इससे पहले भी एक कोड के हवाले से नई अपडेट जारी की गई थी और इस कोड को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से हुकूमत की जानिब से इस कोड को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, और इस कोड के ज़रिए अब आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। और चार ऐसी इकसाम हुकूमत की जानिब से बता दी गई है जिनको अब पैसे नहीं मिलने वाले, वो लोग इस प्रोग्राम का अब हिस्सा नहीं होंगे। इन चार किस्म के अफराद के अलावा तमाम ख़ानदानों को हुकूमत की जानिब से आहिल किया जाएगा, और उनको 14,000 रुपये की जो इमदाद है ये जारी की जाएगी। चार किस्म के कौन से अफराद हैं इनके बारे में आज हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम कर देते हैं, और आपका नाम अगर इनमें शामिल नहीं होता तो यकीनन आपको भी हुकूमत की जानिब से नए प्रोग्राम में शामिल करके एक बड़ी इमदाद भी दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई है कि हम गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करें, और इसके लिए हुकूमत की जानिब से जो सर्वे करवाया गया था उसका डाटा भी हुकूमत के पास मौजूद है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जब पहली बार 8171 खोला गया था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में इस कोड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ेकार है ये तब्दील होता रहता है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि इसके अंदर जो चार किस्म के अफराद हैं उनको हम नाहिल करेंगे, उनको पैसे नहीं देंगे। वो चार किस्म के कौन से अफराद हैं इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। नंबर एक, ऐसे ख़ानदान जो पाकिस्तानी हैं और बैरून मुल्क मुकीम है, बैरून मुल्क वो रहते हैं और उसके बाद पाकिस्तान आ भी जाते हैं, तो उनको हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। और ऐसे ख़ानदान जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीदते हैं और सेल करते रहते हैं, ऐसे ख़ानदानों को भी एहसास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता। और इसके साथ ही ऐसे ख़ानदान जो टैक्स देते हैं, चाहे वो महाना टैक्स अदा करते हैं या सालाना टैक्स अदा करते हैं और फाइलर हैं और हुकूमत की जानिब से उनका नाम टैक्स दहिंदगान में शामिल कर लिया गया है, तो ऐसे ख़ानदान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे ख़ानदान जो सरकारी मुलाजमत रखते हैं उनको भी हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा तमाम ख़ानदानों को हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया जाएगा, और हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस बना दिया गया है, वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और खसूसी अफराद के लिए एक ऑफ़र है, वो अफराद हुकूमत की जानिब से 8171 पर मैसेज करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं।